इन फॉर्मूलों के आधार पर हम देखते हैं कि स्थायी किस्त पद्धति में हम मूल्यह्रास की गणना किस तरह से करते हैं, संपत्ति के विक्रय पर हम लाभ हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। मुकेश एंड सन्स ने फर्नीचर 30,000 रुपए में 1 अप्रैल 2014 को क्रय किया। 1 जुलाई 2017 को उक्त फर्नीचर 15,000 रुपए में बेच दिया गया। फर्नीचर खाता यह मानते हुए बनाइए कि फर्नीचर पर हर्ष मूल लागत पद्धति पर 10% वार्षिक की दर से लगाया जाता है तथा खाते 31 मार्च को प्रतिवर्ष बंद किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक फर्नीचर खरीदा गया है। फर्नीचर एक स्थायी संपत्ति है जिस पर हम मूल्यह्रास लगाएंगे। 1 अप्रैल 2014 को यह खरीदा गया है और इसको 1 जुलाई 2017 को बेच दिया गया, यानी कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 वाले सत्र में हमारे पास था और फिर 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 वाले पूरे वर्ष में हमारे साथ था और 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 जुलाई 2017 यानी कि उसके पहले जून तक ये जो फर्नीचर है ये हमारे पास था। तो यहाँ पर हम जब अकाउंट बनाएंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि किस फाइनेंशियल ईयर में हमको इस फर्नीचर को बेचना है और उसके बाद हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो बेचा गया फर्नीचर है इस पर लाभ हानि क्या आई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए हम जो फर्नीचर अकाउंट के लिए फॉर्मेट बनाएंगे उसमें हम सबसे पहले डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2014 और यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब हम फर्नीचर परचेस करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं तो हम फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और 30,000 रुपीज हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब 2014-15 के अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले हम 31 मार्च 2015 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि 30,000 का ये फर्नीचर है और 10% पर एनम इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो 30,000 का 10% यानी कि 3,000 डेप्रिसिएशन आएगा जिसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2015 31 मार्च को और 3,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और उसके बाद हम देख इसका बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस के लिए हमको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा फर्नीचर है ये 1 अप्रैल को 30,000 का था और 31 मार्च को इसमें 3,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद अब 31 मार्च 2015 को इसका जो बैलेंस है वो केवल 27,000 का ही बच रहा है। तो अब हम 27,000 इसका बैलेंस यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे कैरेट डाउन बाय बैलेंस सीडी लिखकर और 30,000 से इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 27,000 उसको 2015 में ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखकर और 27,000 यहाँ पर हम लिखेंगे। इस बीच हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई नई मशीन हमने परचेस की है, कोई नया फर्नीचर या कोई एसेट्स हमने परचेस किया है तो उसकी एंट्री भी हमको यहाँ पर कर देनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में और कोई फर्नीचर परचेस नहीं किया गया है तो हम केवल 27,000 का ही फर्नीचर हमारे पास है ये मानते हुए 31 मार्च 2016 को ये अकाउंट क्लोज कर देंगे और उसके लिए हम फिर से एनुअल डेप्रिसिएशन इसका, क्योंकि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया 3,000 का डेप्रिसिएशन तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,000 और फिर हम 31 मार्च 2016 को इसका बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये जो मशीन 1 अप्रैल 2015 को 27,000 की थी, 31 मार्च को 3,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद ये मशीनरी अब हो जाती है 24,000 की और यहीं पर हम 27,000 टोटल से ईयर 2015-16 का बैलेंस जो है क्लोज कर देंगे।
और क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2016 का जो 24,000 हमने यहाँ पर निकाला है उसको हम 2016 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफर करके ले आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 24,000 से। अब क्योंकि 16-17 में ये मशीन हमारे पास थोड़े साल तक है, इसको हमको बेचना है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले इसका एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 17 के लिए। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्योंकि 3,000 है तो उतना ही हो जाएगा, 3,000 के डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम इसको 31 मार्च 2017 को क्लोज करने के लिए 24,000 से 3,000 माइनस करके बैलेंस इसका कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 21,000 आएगा। और फिर हम इस बैलेंस को इस 2016-17 के अकाउंट को यहीं पर क्लोज कर देंगे टोटल 24,000 रुपीस से। और अब ये जो 21,000 की अमाउंट है जो कि क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है उसको हम अप्रैल 2017 के लिए ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे 21,000। और अब हमको यहाँ पे देखना है कि जुलाई 1 को ही हम इस मशीन को सेल, इस फर्नीचर को सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट में हमको इसको लिखना है बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हम जब फर्नीचर सेल करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 15,000। तो एक तो हमने फर्नीचर बेचा तो उसकी हमने एंट्री की 15,000। अब ये जो फर्नीचर है इस पर हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 3,000 जो डेप्रिसिएशन है वो 1 ईयर का है, लेकिन हमको इस पर ये जो बेची जा रही है, ये जो बेचा जा रहा है फर्नीचर, इस पर हमको डेप्रिसिएशन कितने मंथ का कैलकुलेट करना है। अप्रैल का बैलेंस है हमारे पास तो अप्रैल, मई और जून, 1 जुलाई को तो हमने इसको सेल कर दिया तो सिर्फ 3 मंथ ही ये इस सेशन में 17-18 में सिर्फ 3 मंथ ही ये मशीन, ये फर्नीचर हमारे पास रहा है। तो हम 3,000 का 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये 3 मंथ का डेप्रिसिएशन हमको मिल जाएगा 750। अब हम यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट करके ये देखेंगे कि ये जो मशीन हम सेल कर रहे हैं उस पर हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 21,000 की ये मशीनरी थी उसमें 750 तो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, यानी कि जिस दिन हम इस मशीनरी को सेल करेंगे उस दिन इसकी वैल्यू हो जाएगी 20,250। अब 20,250 की कॉस्ट की मशीनरी को हम 15,000 में सेल कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हमको डिफरेंस दिख रहा है कि इस मशीन को सेल करने में हमको 20,250 माइनस 15,000 यानी 5,250 रुपीस लॉस हो रहा है। और क्योंकि ये लॉस है इसलिए हम इसकी जनरल एंट्री अगर पास करते हैं तो ये हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो क्योंकि फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 5,250 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और टोटल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंस हमारा यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, दोनों साइड का 21,000 बैलेंस आ रहा है, तो 21,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। हरिश्चंद्र स्टील कंपनी ने 1 जुलाई 2015 को 1,50,000 रुपए में एक मशीन क्रय की, 1 जनवरी 2016 को 1,00,000 रुपए में दूसरी तथा 1 अक्टूबर 2016 को 80,000 रुपए में तीसरी मशीन क्रय की। 1 अप्रैल 2017 को वह मशीन जो 1 जुलाई 2015 में क्रय की गई थी का 1/3 हिस्सा औद्योगिक दुर्घटना के कारण अप्रचलित हो गया जिसे 20,000 रुपए में बेच दिया गया। 10% वार्षिक के दर से स्थायी किस्त पद्धति से मूल्यह्रास अपलिखित करते हुए 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए। 1 अप्रैल 2018 को मशीन खाते का शेष ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 3 मशीनें खरीदी गई हैं। एक मशीन 1,50,000 रुपए में 1 जुलाई 2015 को खरीदी गई, दूसरी 1,00,000 रुपए में 1 जनवरी 2016 को खरीदी गई और तीसरी 80,000 रुपए में 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी गई है। यानी कि स्टार्टिंग में जब हम 15-16 क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि लास्ट में दिया गया है कि 1 अप्रैल 2018 को शेष हमको ज्ञात करना है, यानी कि ये जो कंपनी है ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग,
फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल को शो होगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो 31 मार्च को शो होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो मशीनरी है वो हमने परचेस की है 1 जुलाई 2015 को 1,50,000 में। और क्योंकि ये जो हमारा सेशन है ये चलता है 1 जुलाई 2015 वाला सेशन 31 मार्च को कंप्लीट, 31 मार्च 2016 को कंप्लीट होगा। यानी कि ये जो दूसरी मशीन हमने 1 लाख में परचेस की है 1 जनवरी 2016 को, वो मशीनरी भी इसी सेशन में परचेस की गई है। तो दोनों मशीनरी की एंट्री हम इसी सेशन में करेंगे ईयर 2015-16 में। 1 जुलाई को हमने मशीनरी परचेस की है तो हम मशीन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,50,000 1 जुलाई के लिए, और 1 जनवरी के लिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1 लाख। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो कि डेप्रिसिएशन किसका है, बैलेंस किसका है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको मशीन के लिए कुछ नाम दे देना होगा, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन या ए बी मशीन इस तरह से। तो हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिख दिया। अब जब 31 मार्च को हम 31 मार्च 2016 को जब हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो अभी भी हम स्थायी किस्त पद्धति से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, 10% पर एनम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2015-16 में हम देख रहे हैं 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फर्स्ट जो मशीनरी है उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालकर 1,50,000 की मशीनरी है, इसको हमको डेप्रिसिएशन कितने मंथ का निकालना है, जुलाई में हमने ये मशीन परचेस की और 31 मार्च तक ये मशीन हमारे पास रही। इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीने तक ये मशीन हमारे पास रही है। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1,50,000 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमको डेप्रिसिएशन मिलता है 11,250। और सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम यहीं पर कैलकुलेट कर लें, तो ये जो सेकेंड मशीनरी है वो हमने परचेस की है 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 की जो मशीनरी है ये हमारे पास 3 मंथ केवल रही है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस पे हम 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 लाख इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 12। तो ये हमको डेप्रिसिएशन मिल जाता है सेकेंड मशीनरी पे 2,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो जाता है 11,250 प्लस 2,500, 13,750। तो अब हमको बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट मशीन की कॉस्ट में से हम फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और सेकेंड मशीनरी की कॉस्ट में से हम सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमने मार्किंग इसीलिए की है ताकि हमको पता चल सके कि कौन सी फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट है और कौन सा फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो मशीनरी है वो 1,50,000 की है, उसका जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है वो 11,250 का है। तो 1,50,000 में से 11,250 अगर हम माइनस कर देते हैं तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस यहाँ पर हमको मिल जाता है 1,38,750, जिसको कि हम 31 मार्च में बाय बैलेंस सीडी लिखकर यहाँ पर शो करेंगे, मार्किंग कर देंगे हम यहाँ। ये फर्स्ट मशीन का बैलेंस है। तो अब हम क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मशीन का हमने बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, अब सेकेंड जो मशीनरी है उसके लिए हम यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे। सेकेंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख और इसमें से हम इसका डेप्रिसिएशन 2,500 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बैलेंस आ जाता है 97,500। तो दो बैलेंसेस हमको यहाँ पर दोनों मशीनरीज के मिल गए हैं, 1,38,750 और 97,500। तो ये हमारा जो टोटल हो जाता है बैलेंस वो हो जाता है 2,36,250। और टोटल जो अमाउंट है 2,50,000 से हमारा ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और अब 2016-17 में हम इसी बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे जो कि 31 मार्च 2016 के लिए क्लोजिंग बैलेंस था,
वो 1 अप्रैल 2017 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट मशीनरी के लिए और डेबिट साइड में हम लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है 1,38,750 और सेकेंड मशीनरी का बैलेंस है 97,500। टोटल बैलेंस हमको यहाँ पर मिल रहा है 2,36,250। अब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2016 को एक और थर्ड मशीन परचेस किए हैं हमने 80,000 में, तो उसकी एंट्री पहले हम यहाँ पर डेबिट साइड में कर लेंगे टू कैश अकाउंट और 80,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मार्किंग हमको जरूर कर लेना है जिससे हमको ये पता चल पाए कि कौन सा बैलेंस फर्स्ट मशीनरी का है, कौन सा सेकेंड मशीनरी का है और कौन सा थर्ड मशीनरी का है। तो अब हमने जो मशीनरी परचेस की है 1 अक्टूबर को, वो हमारी थर्ड मशीनरी है 80,000 की। अब जबकि 31 मार्च को हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, तो यहाँ हमको सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा तीनों मशीनरी का। तो फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने जो कैलकुलेशन किया था वो केवल 9 मंथ का था फर्स्ट मशीनरी के लिए और सेकेंड मशीनरी के लिए केवल 3 मंथ का था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब पूरा 1 ईयर हम इसमें ले रहे हैं तो ये पूरा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि फर्स्ट मशीनरी के लिए हो जाएगा 1,50,000 का 10%, यानी कि 15,000। सेकेंड मशीनरी का हो जाएगा 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000। और ये जो थर्ड मशीनरी हमने परचेस की है 80,000 की, इसका हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, शो करेंगे थर्ड मशीन लिखकर। तो क्योंकि 1 अक्टूबर को हमने परचेस की है, 80,000 की मशीनरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं हम 31 मार्च को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ तक ये मशीन हमारे पास रही है अभी तक, तो हम इस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ का ही कैलकुलेट करके यहाँ पर शो करेंगे। यानी 80,000 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 12, ये हमको मिल जाता है यहाँ पर 4,000। अब हमारे पास तीन मशीन के डेप्रिसिएशन है, 15,000 फर्स्ट मशीनरी का, 10,000 सेकेंड मशीनरी का और 4,000 थर्ड मशीनरी का, यानी टोटल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है 29,000। अब इन तीनों मशीनरी का हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो फर्स्ट मशीनरी का जो बैलेंस है वो है 1,38,750। इसमें से हम इसका करेंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 15,000, तो हमको 2016-17 का बैलेंस मिल जाएगा 31 मार्च 2016-17 के लिए बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस हमको मिल जाएगा 1,23,750। सेकेंड मशीनरी है हमारी 97,500 की और इस पे 10,000 डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, तो ये हमारी मशीनरी हो जाएगी 87,500 की। थर्ड मशीनरी है 80,000 की, इस पर हम 6 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 4,000, तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा 76,000। तो ये टोटल बैलेंस हो जाएगा हमारा 2,87,250, यानी टोटल हो जाएगा ये 3,16,250 से क्लोज हो जाएगा। अब क्योंकि 16-17 में हमने क्लोज कर लिया, अब 31 मार्च 2017 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 1 अप्रैल 2017 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में इसको ट्रांसफर करके ला लेंगे। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस हमको मिला है 1,23,750। सेकेंड मशीनरी का बैलेंस हमको मिला है 87,500 और थर्ड मशीन का बैलेंस है 76,000। टोटल ओपनिंग बैलेंस 2016 फर्स्ट अप्रैल के लिए है 2,87,250। अब 2017-18 में क्योंकि हमने इस मशीन को सेल कर दिया है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कौन सी मशीन हमने सेल की है। हमने वो मशीन सेल की है जो 1 जुलाई 2015 को क्रय की गई थी, और दूसरी बात, ये पूरी की पूरी मशीन सेल भी नहीं की गई है, सिर्फ इसका एक तिहाई हिस्सा ही बेचा गया है, 1/3 पार्ट ही हमने बेचा है। और कितने में बेचा है हमने? 20,000 में।
तो 2017-18 में हमको बहुत सारा काम करना है यहाँ पे। एक तो हमको मशीनरी को बेचना है, तो जब हम इस मशीनरी को बेचेंगे तो हमको कैश मिलेगी, यानी कि प्रॉपर एक जनरल एंट्री अगर हम करते तो इसकी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी हम इसको मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 1 अप्रैल को बाय कैश 20,000, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को हमने ये मशीन सेल की है, तो 1 अप्रैल 2017 को हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और 20,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब हमको इस सेल की गई मशीन पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है कि हमने जब उसको बेचा तो हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन सी मशीन हमने सेल की। हमने वो मशीन सेल की है जो कि 1 जुलाई 2015 को खरीदी गई थी, यानी कि फर्स्ट मशीन को हमने सेल किया है जिसकी वैल्यू उस दिन जबकि उस मशीन को हम सेल कर रहे हैं बैलेंस उसका था 1,23,750। अब ये जो बैलेंस है ये है 1 अप्रैल का, लेकिन इस मशीन को हम सेल कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 को ही हम इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरी मशीन सेल नहीं की गई है, केवल इसका 1/3 पार्ट ही हमने सेल किया है। ये मशीन थी 1,23,750 की, अगर हम इसका 1/3 कैलकुलेट करते हैं तो ये मशीन हो जाएगी 41,250 की। 41,250 की मशीनरी को 20,000 में हमने सेल कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमको लॉस हुआ है 21,250 का। तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्योंकि इसकी अगर हम जनरल एंट्री पास करते तो हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसलिए हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल। तो 21,250 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब फर्स्ट मशीनरी हमारी जो थी वो सेल आउट हो गई, उसको हम यहीं पर क्लोज कर देंगे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि केवल 1/3 पार्ट ही हमने अभी सेल किया है। सेकेंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तीनों मशीनरी पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,23,750 की जो मशीनरी थी जब हमने उसको परचेस किया था तो 1,50,000 में हमने उसको परचेस किया था, और इसका 1/3 भाग हमने सेल कर दिया, यानी कि अब केवल 1 लाख रुपीज से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि 1 लाख की ही मशीनरी बची है। तो यहाँ पर हम 1 लाख के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ हमारा जो डेप्रिसिएशन होल ईयर का 15,000 बनता था, अब हम उसमें से 1/3 पार्ट को यानी कि 5,000 को अलग कर देंगे और यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम सिर्फ 10,000 ही लिखेंगे। दूसरी बात हमको ये ध्यान में रखना है कि अब ये जो मशीनरी थी 1,23,750 की, उसमें से 41,250 की मशीन बिक चुकी है, यानी अब हम जो बैलेंस निकालेंगे वो इस बची हुई अमाउंट पर ही निकालेंगे, यानी 82,500 में से हम 10,000 माइनस करके जो बैलेंस लिखेंगे वो लिखेंगे हम 72,500। फिलहाल हम सेकेंड और थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर में देखा था 10,000 था, अभी भी वो 10,000 रहेगा क्योंकि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चल रहे हैं। थर्ड मशीनरी जो थी उसका जो डेप्रिसिएशन था वो 4,000 था 6 मंथ के लिए, लेकिन अब हम पूरा 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो वो 8,000 हो जाएगा 1 ईयर का। तो अब इस डेप्रिसिएशन को माइनस करके जब हम बैलेंस निकालेंगे तो फर्स्ट मशीनरी जो कि अब केवल 82,500 की बची है उसमें से हम 10,000 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस हमको मिल जाएगा 72,500 का। सेकेंड मशीनरी जो कि 87,500 की है उसमें से हम 10,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77,500 का। थर्ड मशीनरी जो कि 76,000 की है उसमें से हम 8,000 उस मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 68,000 का, यानी कि टोटल 2,18,000 इसका बैलेंस हो जाएगा जो कि हम 2018-19 फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफर करके इस मशीनरी अकाउंट को यहीं पे क्लोज कर देंगे।